नथिंग बट आई स्पोन डायग्नोसिस. इसका मतलब क्या है? डीजनरेशन. किस चीज़ की डीजनरेशन? दो चीज़ों की, या तो किसकी होती है या तो कैसे ज्वाइन की होती है. ठीक है, किस किस की होती है डीजनरेशन? डेस्क की या तो कैसे. अब जो आपके पास पेशेंट आएगा, अच्छा आपके पास जो हिस्ट्री होती है ना, वो बहुत कुछ बताती है हिस्ट्री. डीजनरेशन जो है वो आपके पास एक क्रोनिक केस है. ठीक है, एक्यूट केस नहीं है. ठीक है, आपके पास एक क्रोनिक केस है. ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता होती है. ठीक है, हो सकता है कि कुछ साल पहले आपके बॉडी में डीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया हो, लेकिन कोई साइन एंड सिम्टम्स आपके पास नहीं आ रहे. लेकिन एक टाइम आया, एक स्पेसिफिक एज के बाद एक टाइम आया कि आपके पास वो साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो गए. पेशेंट आई है, कोई फीमेल आई है, वो आपको बताया कि मेरी एज है 50 है, 49 है, मतलब इसके आसपास. ठीक है, 50 या 50 से अबव, ये आपके पास एक ऐसी एज है कंफर्म नहीं है, इसके आसपास जहाँ आपके पास डी जनरेशन होती है. और ये बताओ कि डी जनरेशन होती क्या है? लेटरली क्या होता है, नर्व्स होती है कि नहीं होती? लेटरली नर्व्स
जो मेरी स्टीरोसिस है, जो मेरी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, या अगर वो नेचुरली है तो मेरे पास नर्व इम्पिंज होगी कि नहीं होगी, तो मेरे पास क्या होगी, रेडिएटिंग सिम्टम्स होंगे कि नहीं होंगे, इस चीज को आप कहते हो स्पोंडाइलोसिस। ठीक है, इसका जो सेकेंड नाम है वो ये है, लेकिन उसका डिफरेंस क्या है आपको भी बता दूँ, पहले आप उसको क्लियर है।